Hello everyone. So in this lecture we will discuss about most important questions regarding to our MSc entrance exam. So हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट पेपर टाइप है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस वे में आप पे जो हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है कैसे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न दे सकती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, DU होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, HVU यूनिवर्सिटी, राइट खनियारा यूनिवर्सिटी जो आपकी कांगड़ा में है, सभी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सेम ही रहता है. पर कितना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके पास 60 नंबर का पेपर होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो मोस्टली हमारा HVU का एंट्रांस होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ठीक है, तो हम इस लेक्चर में यही बात करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है उनका क्या क्या आंसर है. ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी 4F इलेक्ट्रॉन्स टू द मैक्सिमम कैन हैव द स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ. तो किसका हमारे पास 4F इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है, आंसर इज 7. क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है हमारे पास, नियॉन की. फिर आता है पाई 2px एंड पाई 2py ऑर्बिटल्स आर ऑफ सिमिलर एनर्जी दस दे आर डबली डीजनरेट. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द वीक एसिड, हमारे पास 4 एसिड दिए गए हैं, इसके नाम प्रॉपरली नहीं हमने इसमें दिए हैं, इसमें बोला कि HA1, HA2 एंड HA3. तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंजुगेट बेस वुड बी. तो इसका करेक्ट ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, दिस टाइप. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5, द हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड. तो जब हाइड्रोजन की मूवमेंट होती है, उसकी फॉर्मेशन हो रही है, तो वो किस टाइप का हमारे पास फॉर्मेशन देता है, नेसेंट फॉर्मेशन होती है उसकी. ठीक है, ड्यूरिंग द मेटलर्जी ऑफ आयन व्हेन लाइमस्टोन इज एडेड टू द ब्लास्ट फ्यूरेंस द कैल्शियम आयन्स आर रिमूव्ड एज स्लैग. फॉर एल्कली मेटल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स इज इनकोरेक्ट. तो एल्कली मेटल के रिगार्डिंग में हमारे पास जो डेंसिटी का इन्होंने ऑर्डर दिया है वो इनकोरेक्ट है. ठीक है, फिर आता है हमारे पास इन क्यूरिंग सीमेंट प्लास्टर वाटर इज स्प्रिंकल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस हेल्प्स इन कीपिंग इट कूल बिकॉज सेटिंग ऑफ सीमेंट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा प्योर N2 कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग BaN3 ट्वाइस. ओके, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट. किसके लिए हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ZR एंड HF हैव अबाउट द सेम रेडियस. द IUPAC नेम ऑफ CONH3 5ONO2 पॉजिटिव आयन, तो इसका नाम क्या है हमारे पास, पेंटाएमाइन Nitro Cobalt 3 आयन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए. तो फोटोकेमिकल स्मोक अकर इन डे टाइम वाइल द क्लासिकल स्मोक अकर इन मॉर्निंग आवर्स. तो ये स्टेटमेंट वाइल क्या है, राइट है. इन अ सीरीज ऑफ 3 स्टेप्स इन रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन सिक्वेंस स्टार्टेड विद RA88 to 28, द पार्टिकल्स एमिटेड आर सक्सेसिवली बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव एंड अल्फा पार्टिकल्स. द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज एन आइसोटोप ऑफ. तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, किसका रिजल्टिंग प्रोडक्ट है ये, तो वो है RA88 का. ठीक है, रेडियम 88. एंड अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोलैरिटी और इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी एंड इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग हमने ये लिखना है. तो पहले है दिया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड ऑप्शन है हैलोजन कंपाउंड्स, थर्ड है एसिड्स एंड बेसिस एंड फोर्थ है एल्डिहाइड. तो इनका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन डी एंड डी इज लेस देन सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो द ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कुछ दिए गए, द रेडियस ऑफ दिस आयनिक स्पीशीज फॉलो द ऑर्डर. तो जो हमारे पास ये स्पीशीज है कैसा फॉलो हमारे पास ऑर्डर कर रहा है, तो इसमें आता है हमारे पास S2 नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव ग्रेटर देन पोटेशियम पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन कैल्शियम 2 पॉजिटिव. फिर हमारे पास कंपाउंड दिया गया है और हमने इसका बताना है IUPAC नेम. ठीक है, तो इसका IUPAC नेम है Bicyclo-210-Pentane, राइट. नेक्स्ट हमारे पास दिया गया कि ज्योमेट्री बतानी हमने इस कंपाउंड की, तो ये किस ज्योमेट्री का है, ट्रांसफॉर्म है ना ये, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रांस है. ठीक,
एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल. चार हमारे पास कार्बोकेटाइन दिए गए हैं तो हमने बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेबल है. आंसर इज ए. ए वन हमारा जो है स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है. क्वेश्चन नंबर 19. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो नाइट्रेशन फास्ट. चार हमारे पास कंपाउंड दिए गए, इसमें से कौन सी हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जो नाइट्रेशन जल्दी देता है, तो वो है ये वाला कंपाउंड. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एरोमेटिक. तो आप यहाँ पे इसके डायग्राम देख सकते हो, चारों में तीन ही है. आंसर इज डी, क्योंकि सारे की ऐसे हमारे पास एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक रिंग इनमें बनी हुई है. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. तो इसमें से हमारे पास कौन सा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. देन क्वेश्चन नंबर 22. इन दी गिवन सीक्वेंस. तो सीक्वेंस दी गई तो इन्होंने बोला है कि इसमें हमारे पास डी क्या है. ठीक है, तो डी हमारे पास क्या है, ये. फॉर दी गिवन रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन दिया गया है. फिर बोला कि इसमें आर हमारे पास क्या है, आर विल बी. राइट, आर हमारे पास सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 24. विच एल्काइल हैलाइड वुड यू एक्सपेक्ट टू बी मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एन ई टू रिएक्शन. सो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. सीनम एल्डिहाइड और रिडक्शन विथ एम पी वी रिएजेंट फॉर्म सीनामाइल एल्कोहल. एंड क्वेश्चन नंबर 26. लोअर एमाइंस कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम एमाइन थ्रो. सो ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, हॉफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन के थ्रू. क्वेश्चन नंबर 27. सैलिसाइक्लिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म. तो ये बनाता है हमारे पास ट्राइब्रोमोफिनोल को. फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अकर थ्रू. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमारे पास फॉर्मेशन कैसे हम प्राप्त करते हैं, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप इज अटैच टू दी नेफ्थलीन, द सेकेंड सब्सटीट्यूएंट गोज टू. इट्स राइट ऑप्शन इज डी, रिंग इज ऑलरेडी सब्सटीट्यूटेड. एंड 30 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर सी होगा. ए इज इथाइल अल्कोहल एंड बी इज डाइमिथाइल ईथर. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज डिसअलॉट. चार हमारे पास इसमें ट्रांजिशन दी गई है, तो इसमें से हमने बताना है कि कौन सी हमारे पास डिसअलॉट ट्रांजिशन है, तो कौन सी है, डी, क्योंकि इस टाइप की कोई ट्रांजिशन होती ही नहीं है. ठीक है, एन टू पाई, पाई टू पाई स्टार, एन टू एन स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये सारी ट्रांजिशन तो होती है, पर डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन हमारे पास क्या है, एलो नहीं है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दी गई है, तो इसका राइट ऑप्शन वापस ये होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33. हमारे पास एक शुगर, विच डिस्क्रिप्शन फिट इन द फॉलोइंग शुगर बेस्ट. तो हमारे पास चार दिए गए, इसमें कौन सा हमारे पास बेस्ट बैठेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, किटोज प्यूरानोस एंड बीटा. क्वेश्चन नंबर 34. सल्फा थायाजोल इज कॉमनली कॉल्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सल्फा थायाजोल को हम क्या कहते हैं. आंसर इज सी, सिपाजोल. क्वेश्चन नंबर 35. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60% कंप्लीट इन 20 मिनट. हाउ लॉन्ग विल द रिएक्शन टेक टू बी 84% कंप्लीट. तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 40 मिनट लेते हैं. देन अवर क्वेश्चन नंबर 36. द approximate time duration in hour to electroplate 30 gram of calcium from molten calcium chloride using a current of 5A, where A is atomic mass of calcium is equal to 40. So right answer is A, 8. The mass of non-volatile solute of molar mass 40 gram per mole that should be dissolved in 114 gram of octane to lower its vapor pressure by 20% is, answer is A, 10 gram. ठीक है, ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इसका आंसर है हमारे पास डेल्टा जी इज लेस देन जीरो एंड डेल्टा इज लेस देन जीरो, डेल्टा एस इज इक्वल टू लेस देन जीरो. ओके, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो 39 का आंसर मैं बता देती हूँ कि 39 का आंसर हो गया हमारे पास डी. 40 का आंसर आपके पास आएगा सी, सी ओ इज लेस स्टेबल देन सी ओ टू एट मोर देन 983 केल्विन. 41 का आंसर हमारे पास डी आता है. 42 का आंसर है ए. 43 का आंसर है बी एंड 44 का आंसर है आपके पास ए. ओके, 45 का आंसर है डी.
46 का आंसर आपके पास आएगा सी, 47 का आंसर है सी, 48 का आंसर है आपके पास बी. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री डील्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ लेंथ स्केल. तो किसके लेंथ स्केल के बीच सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री हमारे पास डील करता है, वो होता है 1 to 100 PM. ओके, हाई डेफिनेशन टीवी मॉनिटर्स कंटेन्स पिक्सल दैट आर कंपोज ऑफ. तो किससे बनी होती है हमारे पास टीवी की पिक्सल? जिंक सल्फाइड ZnS की. क्वेश्चन नंबर 51, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस पोजेसिंग वेलोसिटीज इन अ गिवन रेंज डिपेंड्स ऑन. आंसर इज बी, टेम्परेचर. एंड ये हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है. 52 का आंसर आपके पास बी आएगा. एंड 53 का आंसर, 53 का आंसर आपके पास आएगा सी. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपके पास बी है. 55, व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लूजेस 1 alpha and 2 beta पार्टिकल्स इट यील्ड्स. आंसर इज आइसोटोप. क्वेश्चन नंबर 56, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट जो होता है, द ट्रांजिशन D2 to P1 सिंगल स्टेट में, ये क्या देता है हमारे पास? नाइन लाइन्स देता है. क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है ए. एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल. तो कौन से हमारे पास परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है? तो है डी क्यू. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आपके पास बी आता है. क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आपके पास रहेगा सी. या विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. आपके पास चार इसमें ऑप्शन दी गई, तो इसमें से किस कंपाउंड का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? ओके, तो इसका आंसर है ए, एन ब्यूटानोल. क्वेश्चन नंबर 63, इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ठीक है, जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बस मैं डायरेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. अगर आपको पढ़ने हो तो आपको हेल्प हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 64, द बॉयल्स टेम्परेचर इज दैट एट विच द सेकेंड वीरियल कॉफिशियंट ऑफ रियल गैसेस. ऑप्शन नंबर ए, हमारे पास जीरो होता है रियल गैस कॉफिशियंट इसका. 65, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एब्जॉर्व लाइट इन द यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रम. तो इसका आंसर है हमारे पास सी, क्लोरल हाइड्रेट. 66 का आंसर सी है. 67 का आंसर डी. 68 का आंसर आपके पास बी है. येस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विक्टर मेयर टेस्ट इज यूज फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ. तो किसकी कन्फर्मेशन के लिए ये यूज़ होता है? ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स के लिए. एंड क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपके पास रहेगा डी. क्वेश्चन नंबर 71, इन द लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग द कैथोड रिएक्शन इज. 71 का आंसर है ए, रिडक्शन ऑफ Pb2 पॉजिटिव टू Pb. क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? ए. ओके, उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ESR स्पेक्ट्रा. तो हमारे पास जो बी है CST क्या है? ESR स्पेक्ट्रा शो करता है. 74, एरोमेटिक कौन सा इसमें से कंपाउंड है? तो ऑप्शन नंबर डी. IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. 75 का है बी, 2,7-dimethyl-4-ethyl-octane. क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 27, एटम रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन शो. तो ये क्या शो करता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी. 78 का आंसर है ए. 79 का आंसर सी. 80 का आंसर है डी. एंड क्वेश्चन नंबर 81, DNFV इज यूज टू आइडेंटिफाई एन टर्मिनल अमीनो एसिड ऑफ पेप्टाइड, द रिएजेंट इज कॉल्ड. तो इस रिएजेंट को हम क्या कहते हैं? वेंस लाइक रिएजेंट इसका नाम है, जो हमारे पास DNFV की आइडेंटिफिकेशन करने में यूज़ करता है कि उसमें कितने एन टर्मिनल अमीनो एसिड पेप्टाइड के प्रेजेंट है कंपाउंड में. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन SN2 डिस्प्लेसमेंट ऑन मिथाइल ब्रोमाइड. सो इसका आंसर है आपके पास बी. क्वेश्चन नंबर 83, कंटिन्यूस वेव NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व. तो ये इन्वॉल्व करता है समटाइम सिक्वेंशियल एंड समटाइम सिमल्टेनियस डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई. क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर सी है.
85 का आंसर बी है, 86 का आंसर आपके पास ए रहेगा एंड 87 का आंसर आपके पास सी है। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना कि इफ़ यू टाइट्रेट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स विद HCl, इंडिकेटर यूज्ड विल बी मिथाइल रेड। देखो MSc में क्या होता है ना कि जो MSc का एंट्रांस है उसमें ज़्यादा से क्वेश्चन आपके MSc के सिलेबस से आते हैं। ओके, तो आपने ये नहीं सोचना कि हमने ग्रेजुएशन में तो ये चीज़ें पढ़ी नहीं है तो ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो MSc के आते हैं जो MSc के सिलेबस में होते हैं आपके। ठीक है, तो एक बार इनको देख लेना कि कौन कौन सा इंडिकेटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट्स होगी, ओके, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपके MSc में ही हम पढ़ते हैं, राइट। तो 88 ये जैसे ट्रांजिशन स्टेट है तो ये भी मैं आपके कहाँ थी MSc के सिलेबस में आती है। ठीक है, 88 का आंसर आपके पास बी रहेगा। फिर 89 हमारे पास है, 89 का आंसर ए है एंड 90 का आंसर आपके पास रहेगा सी। 91 आंसर इज सी, 92 का आंसर आपके पास रहेगा ए, 93 का आंसर है बी, 94 द एग्रीगेशन ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स। क्वेश्चन नंबर 95 आंसर इज सी, 96 का आंसर आपके पास ए है, 97 का आंसर भी आपके पास ए है, 98 का आंसर भी ए है, 99 का आंसर आपके पास क्या है, डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 का आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 101 आंसर इज ए, द बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर फॉर द स्टीरॉयड, तो कौन सा हमने इसमें प्रिकर्सर यूज़ करना है, आंसर इज सी, मीवेलोनिक एसिड। 103 का आंसर आपके पास सी है, कंपाउंड अंडर इन द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन बिलो द हाइड्रोजन मार्क्ड ए एंड बी आर, तो ये कैसे टाइप के हैं हमारे पास, एच ए एंड एच बी जो उसमें दिया है, एनेंशियोट्रॉपिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर आपके पास बी है, द एब्जॉर्प्शन बाय ड्यू टू कार्बोनल ग्रुप इन फिनाइल एसिडेट अपीयर्स एट 1760 सेंटीमीटर इनवर्स में होते हैं। फिर आता है 105वां क्वेश्चन, द हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन द अमीनो एसिड हिस्टिडाइन इज, इमिडाजोल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी ड्रॉन मोस्ट इन टू द मैग्नेटिक फील्ड, आंसर इज सी, विच ऑफ द फॉलोइंग 107 इज इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर ए है एंड 108, व्हेन टू एनी कंपाउंड आर डिजॉल्व इन वाटर आर डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कैन, सो इट्स आंसर इज बी, अकर इफ टू ऑफ द आयंस फॉर्म एन इनसॉल्युबल आयनिक कंपाउंड विच प्रेसिपिटेट्स आउट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 109, द कॉमन फीचर अमंग दिस स्पीशीज सी ए नेगेटिव सी ओ एंड एन ओ पॉजिटिव आर, सो इट्स आंसर इज ए। 110 का आंसर रहेगा सी एंड 111 का आंसर है सी, 12 का आंसर है आपके पास बी, व्हाट डू यू कॉल एन एलिमेंट इफ इट हैज़ इलेक्ट्रॉन्स इन पेन्यूलेट शेल एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, एफ पी ब्लॉक एलिमेंट की ये फीचर होती है। फिर आता है विच इज़ द ज्योमेट्री ऑफ ए यू सी एल फोर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री इशू होती है। 14 का आंसर है डी, 15 का आंसर है सी एंड 16 का आंसर है डी। ओके, बाकी मैं आंसर आपको ऐसे ही बता देती हूँ, 17 का है बी, 18 का है ए, 19 का आंसर आपका रहेगा सी, 120 ओके, इसका आंसर है हमारे पास डी। ठीक है, 21 का आंसर है ए, 22 का आंसर है सी। अब मैं क्या करूँगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है मैं उनके टिक ही लगा दूँगी ताकि हमारा लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार उनको रीड कर दूँगी कि क्या पूछा गया है आपसे। जैसे कि यही है, था पेरक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स कंटेन, तो पेरक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल क्या कंटेन करते हैं। ठीक है, तो आंसर इज डी, 11 लोन पेयर्स, नो पाई बॉन्ड एंड 5 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बाकी आप इसके आंसर देख लेना जो मैंने टिक कर दिया है कि किसका क्या आंसर रहेगा। ओके, मैंने टिक कर दिया है। तो 129 ल्यूकास रिएजेंट इज, ल्यूकास का रिएजेंट क्या है, एनहाइड्रस सी यू सी एल टू एंड एच टू एस ओ फोर, हमारे पास क्या बनता है, ल्यूकास रिएजेंट बनता है। ओके,
ओके सो आप इसके आंसर एक बार देख लेना। ओके तो इसके कुछ आंसर है मैंने टिक कर दिए हैं, आप इनको चेकआउट कर लेना एक बार, हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। राइट थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।